भारतीय जनता पार्टी 14 से सरकार में, केंद्र में, और आप लगातार सांसद हैं, कितनी बड़ी चुनौती से देखते हैं? इस बार कोई चुनौती नहीं है। देश का छठवां हिस्सा उत्तर प्रदेश है जी। आप देख रहे होंगे कि 14 में 73 MP आए, 17 में 300 से ज़्यादा विधायक आए, 19 में सबसे कठिन रियल में गठबंधन को हम लोग फेस करके आए, समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन था, दोनों नेताओं में अपनी जात का वोट ट्रांसफर करने की क्षमता है जी। इसके बावजूद हम लोग बहुमत के साथ आए, और अभी 22 में आप देख रहे होंगे कि बहुमत की सरकार बनी। तो केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाएं, और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा से पसीना बहा रहे हैं जी, उससे 2024 में कमल खिलेगा। ठीक है, आपने अब योजनाओं का जिक्र तो बघेल साहब कर रहे हैं अपनी सरकार की, लेकिन आपकी जो सरकार की योजनाएं वो लंबित बहुत हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? लोग इंतजार में बैठे हैं कई योजनाओं को लेकर। आगरा की अगर मैं बात करूं तो बड़े प्रोजेक्ट चाहे वो आगरा के हों या देश के हों, कई बार शिलान्यास कोई सरकार करती है और उद्घाटन के समय वर्षों लग जाते हैं। ये तो बड़ी योजनाओं का है, लेकिन हमें माइंड मेकअप करना है इस 5 सितारा होटल में कि ये देश गरीबों का है। जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं और चावल फ्री का लेने के लिए पिछले 3 साल से लाइन में लग रहे हैं, 12,000 के शौचालय के लिए प्रधान के पास रोज जाते हैं, 1,50,000 का प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और 2.5 लाख का शहर के लिए MLA MP के यहाँ लंबी लाइन लगती है, जिस देश में 20-25 रुपए से अपना इलाज करा पाते थे उनके लिए आयुष्मान कार्ड के लोग 10 करोड़ के आसपास हैं, ई श्रमिक कार्ड करोड़ों लोग हैं, 46 करोड़ लोग मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले और अब तक, बड़ी संख्या ही है जी। यूरोप के कई देशों को मिला दो तो उनकी टोटल पॉपुलेशन है। 46 करोड़ लोगों ने बैंक का शक्ल ही नहीं देखी थी, इसका मतलब अंदाज लगा लो कि वो क्या करने बैंक में जाते। मुझे इस शताब्दी का जो सबसे अच्छा एब्रीविएशन अच्छा लगता है वो DBT लगता है जी, क्योंकि मैं राजीव गांधी जी के बारे में कहना चाहूँगा कि इनोसेंट थे, भोले थे जी। तो एक बयान उनका था कि वो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो गाँव में 15 पैसे पहुँचते हैं, ये उनकी इनोसेंसी है। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री को 85 पैसे की घपला पता चल गया था जी, तो उसको रोकेगा कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव तो रोकेगा नहीं जी। इसी बात से मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को प्रेरणा मिली जी, और उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत, अब वो DBT होता कैसे जब 46 करोड़ जैसे लोगों पर बैंक का खाता ही नहीं था? तो आज किसान सम्मान निधि के 2,000 रुपये साल में 3 बार डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, 2,000 की जगह 1,999 रुपये 99 पैसे नहीं पहुंच सकते, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन सीधे 1,000 जा रही है, किसान की सब्सिडी जा रही है, खाद की सब्सिडी जा रही है, शौचालय के भी पैसे उसके खाते में जा रहे हैं, आवास यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने पे 3 किस्तों में उसके पैसे जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये DBT करके जो 85% पैसा चला जाता था, मैं आज भी कहता हूँ कि अगर रुपए गिन करके देने का अधिकार ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिशियन, हमें अपनी तरफ भी ध्यान देना पड़ता है, या ADO BDO CDO DDO MLA MP सरपंच प्रधान को विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन या आवास या किसी के भी पैसे देने की अधिकार होता तो 1 रुपये उसमें से पैसे मारे जाते। तो ये DBT करके करीब 80-85-65-70 जो भी है करप्शन को प्रधानमंत्री ने रोकने का काम किया, और हमारा बड़ा बजट ग्रामीण आवास ग्रामीण विकास का ये एक बड़ी उपलब्धि आपके बघेल साहब। लेकिन अभी मैं आपको रोकूंगा, अभी और भी कई सवाल हैं, फिर से मैं आपके राजनीतिक सवालों पर आऊंगा, लेकिन एक बड़ी घटना मैं बात करना चाहूंगा। नेताजी मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे नेताजी, और एक बड़ा समाजवादी पुरोधा इस देश ने, इस प्रदेश ने खोया है, और आपका उनके साथ एक बड़ा लंबा अनुभव रहा है। आपकी शुरुआती राजनीति की अगर बात करें, क्या कहना चाहेंगे आप? और मैं जरूर चाहूंगा कि कोई ऐसा संस्मरण आज तमाम दर्शक पूरे देश भर में, प्रदेश में आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे नेताजी के बारे में? निश्चित तौर से मेरे वो राजनीतिक गुरु थे, और मैं उनका सिक्योरिटी अफसर भी रहा हूँ। मैं MSc करके पुलिस में गया था, फिर मैंने लॉ और PhD की, तो उच्च शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद से जब मेरा चयन आगरा के कॉलेज आगरा के लिए हुआ तो राजनीति शुरू की, और मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने शुरुआत की, फिर 12वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा और 14वीं लोकसभा में मैं लगातार
हैट्रिक मारा हूँ समाजवादी पार्टी से, जलेसर पार्लियामेंट से, फिर जलेसर लोकसभा ख़त्म हो गई, फिर किन्हीं कारणों से फिरोजाबाद में मांग रहा था तो अखिलेश जी दो जगह लड़ गए, फिर डिम्पल लड़ गई, फिर अक्षय लड़ गए, तो राजनीति तो करनी थी तो फिर विकल्प तलाशने पड़ते हैं। जैसे आपके चैनल के बॉस अगर आपको बहुत दुखी करेंगे, परेशान करेंगे, तो निश्चित तौर से आप अपने इस ज्ञान का और टैलेंट का कहीं ना कहीं उपयोग करेंगे, अब दूसरा काम तो आपसे होगा नहीं जी, जर्नलिज्म में ही आप रहेंगे। ऐसे मैं भी अब राजनीति के अलावा मैं भी भेड़ नहीं चला सकता हूँ जो पैतृक व्यवसाय है, तो राजनीति करनी थी। लेकिन ये केवल समाजवादी पार्टी का नुकसान नहीं है, ये देश की राष्ट्रीय क्षति है। मुलायम सिंह यादव धरना रैली प्रदर्शन आंदोलन की उपज है जी, फर्स्ट जनरेशन के वो हैं, यद्यपि उनके परिवार में अब तीसरी जनरेशन में भी एमपी बन चुके हैं तेज प्रताप सिंह जी, लेकिन उनको विरासत में कुछ नहीं मिला था, प्रधानी भी नहीं मिली थी, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि लोहिया की सात जिन लोगों ने काम किया है उस पायदान पर खड़े हुए तीन चार अंतिम लोगों में से वो एक। सब आखिरी बार आपकी मुलायम सिंह जी से मुलाकात हुई, कब वो मुलाकात हुई? हाँ, अंतिम तीन मुलाकातें तो ये हैं कि उनकी पत्नी की मृत्यु हुई जी, साधना जी की, तो मैं लखनऊ गया था, और यदि वो मुलाकात को अलाउ कर दें तो मुझे लगता है लाखों समाजवादी लोग इस दुख में उनके से मिलते, वो किसी से मिल नहीं रहे थे जी, मुझसे मिले। वो लोग कहते हैं कि आप मिलने गए, बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं, उन्होंने मिलने की अनुमति दी, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वो वृद्ध थे और बीमार थे उस समय। दूसरा, करहल के ऐतिहासिक चुनाव के बाद जब मैं दिल्ली गया तो लोकसभा चल रही थी, गेट नंबर 12 पर वो कार से जा रहे थे, मैं सीढ़ियाँ उतर रहा था तो मुझे पहचान के गाड़ी रोकी और शीशा खोला, तो मैंने भी आशीर्वाद लिया तो कहा बहुत अच्छा चुनाव लड़े। ऐसे करहल के चुनाव के बाद, करहल के आफ्टर करहल, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे में व्यक्तिगत कटाक्ष होते हैं, क्योंकि उनके तमाम एहसानात मेरे पास हैं तो कुछ व्यक्तिगत कटाक्ष कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तारीफ की। ये एक बड़े हृदय और विशाल हृदय का प्रतीक है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे अभिमन्यु को घेर के जिन लोगों ने मारा था, लेकिन उसके मरने पर जो है शोक व्यक्त किया था, इसी प्रकार से कर्ण को मारा लेकिन पांडव खेमे में भी दुख था। तो कई बार लगता है कि कातिल बहुत जलील हुआ, मेरा सर काट कर हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर। क्या बात है भैया। तो ये एक मुलाकात थी, और अब जब उनकी बीमारी की सूचना मिली तो मैं मैदानता गया था, संभवतः विपक्ष में से मैं पहला आदमी था जो मैदानता मिलने गया, और हम लोगों ने, मैं, अखिलेश जी, डिम्पल जी, रामगोपाल जी, शिवपाल जी, उनकी पत्नी धर्मेंद्र जी, डेढ़ घंटे बातें की आपस में जी, और उसमें कोई राजनीतिक कटाक्ष नहीं हुआ। वो तमाम बातें जो हम सबके साझा अनुभव थे वो हम लोगों ने शेयर किए। फिर दाह संस्कार पर मैं सेफे गया तो उनके किसी की बेटे के रिसेप्शन में या खुद की बारात में कितने लोग, कितनी भीड़ होती है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसमें एक दावत भी होती है जी, लेकिन और उसमें जिंदा व्यक्ति देख रहा होता है कि मेरी बारात में कौन आया, मेरे बेटे की सगाई में कौन आया, लेकिन किसी व्यक्ति की लोकप्रियता इस बात से पता चलती है कि उसके मरने के बाद उसके दाह संस्कार में कितने लोग आए और किस प्रकार के लोग आए। तो उसमें आप देख रहे होंगे कि सभी राजनीतिक दल के मुख्यमंत्री जी एक दिन पहले पहुंचे, प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया, गृहमंत्री जी दिल्ली में मिले, इसके बाद आप देख रहे हैं राजनाथ सिंह जी आए, बहुत सारे नाम हैं, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के आए, और बहुत सारे लोग जी। लेकिन उसमें रिक्शा चलाने वाले से लेके आम किसान से लेके अनिल अंबानी तक थे सब लोग। ये इस बात का था कि मरने वाले व्यक्ति का क्या स्वभाव होता है, बगैर सब इस पर बहुत डिपेंड करता। तो लोकसभा में मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि राजनीति में इतना शिष्टाचार जरूर रहना चाहिए, मतभेद होने चाहिए लेकिन कभी मनभेद नहीं होने चाहिए। बगैर सब लोकसभा में भी देखते थे, कई बार आप नेताजी को हाथ पकड़ कर, आप नेताजी को साथ लेकर जा रहे हैं, तो वो आपका और नेताजी का रिश्ता वो पूरा प्रदेश, पूरा देश जानता, और आपने हमेशा उस रिश्ते की कदर की, उसका ऐसा जिक्र भी किया और उस रिश्ते की फिक्र भी की। लेकिन एक और बड़ी बात, कोई ऐसी बात जो जब नेताजी स्वस्थ थे, जब आपसे बातचीत हुई हो, और वो कौन सी मुलाकात थी, उसके बारे में अगर आप जिक्र करना चाहें, क्योंकि पूरा प्रदेश इस वक्त नेताजी के जाने के बाद वो वैक्यूम महसूस कर रहा है। साधना जी की मृत्यु के बाद जब मैं उनसे मिलने गया तो एक गार्जियन मुझे जाता लगे, वो जैसे कहा कि तुम्हारा वजन बहुत बढ़ रहा है। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा कि जी मैं बस वॉक नहीं कर पाता हूँ, तो कहने लगे मेरे से भी ज़्यादा बिजी हो, मैं मुख्यमंत्री रहता था तो सुबह वॉक करता था, लीडर अपोजिशन रहा तो मैं वॉक करता था, दिल्ली में रहूँ तो वॉक करता था।
तो फिर मैंने जान बचाई क्योंकि बहस नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा जी कल सुबह से मैं वॉक किया करूँगा। एक मैं आज यहाँ तक हूँ तो उसके पीछे उनका एक वाक्य है बहुत महत्वपूर्ण। हालांकि वो नसीहत उन्होंने और राजनीति बहुत लोगों को उन्होंने बढ़ाया, लेकिन जब मैं पुलिस छोड़ के आ रहा था तो मैंने कहा कि कुछ बताइएगा मैं कैसे राजनीति करूँ, तो उन्होंने कहा इतने साल से मेरे साथ हो थोड़ी सी नकल कर लोगे। अच्छा। थोड़े से चल लोगे तो कई बार जीत जाओगे। लेकिन एक बात जो मैं भी कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो लोग राजनीति में आए हैं और आपको सुन रहे हैं, अब बड़ा चैनल है, मेरी हर पार्टी के आदमी के लिए ये शुभेच्छा होती है कि जब आप राजनीति में आ गए हैं तो किसी न किसी सदन के सदस्य जरूर बनिएगा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, नगर पालिका, प्रधान, ब्लॉक, भूमि विकास बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ऐसी मैं हमेशा शुभकामनाएँ देता हूँ। तो मेरा उन्होंने कहा था कि किसी भी सामाजिक समारोह में ना जाने की चिट्ठी लिखने पर की जगह बहुत जल्दी जाना या बहुत विलंब से जाना या बहुत कम समय के लिए जाना, ना जाने से हमेशा अच्छा होता है जी। तो मैंने इसको अपनाया, लेकिन उनका आशय ये नहीं रहा होगा कि सुबह 3 बजे तक जाना। ये आगरा में सब लोग जानते हैं कि अभी 9 दुर्गों के 9 दिन थे, तो मैंने 9 दिन आखिरी पंडाल में 3 और 4 बजे के बीच में आरती से पहले गया हूँ। इतना विलंब से भी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी और इतने जल्दी भी नहीं कहा था कि अगर मुझे आज जाना है, जैसे मुझे आज गुजरात जाना है तो मैं सुबह 7 बजे कुछ काम कर आया, मान लो किसी की सगाई है तो 7 बजे जाके दे आया, जबकि लड़का भी सो रहा था, लड़की भी सो रही थी, दोनों के घर के लोग सो रहे थे। और कई बार ये होता कि गाड़ी पार्क नहीं हो पाती है, तब तक मैं लिफाफा दे के कुछ सलाद या कुछ चीज़ खाने का उपक्रम करते हुए चलाता हूँ, क्योंकि मैंने एक दिन में 80-80 शादियों का को भी अटेंड किया है जी। तो फिर बच्चों से कहना चाहूँगा कि बड़ा आसान है MP बनना, आप जैसा सफल एंकर बनना थोड़ा कठिन है। उसके लिए मास मीडिया कम्युनिकेशन वो करना होता है। हमारे यहाँ तो भारत का नागरिक हो, पागल हो, दिवालिया ना हो, उम्र 25 साल हो, सजा याफ्ता ना हो, तो वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उसके पीछे थोड़ा पसीना जरूर बहता है। तो बड़ा सिंपल फार्मूला है, बताना भी चाहूँगा कि कुछ नहीं है, ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के काम है कि बड़े प्रोजेक्ट करें। हम लोग सिंपल MP हैं, सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया, दंगल, कब्बाली, कुआ पूजन, एकादशी का व्रत का उद्यापन, मैरिज एनिवर्सरी और बर्थडे अटेंड करना एजुकल टू MP है जी। लेकिन मैं बघेल साहब एक बात बताऊं कि जो मेरा अनुभव, जितना भी मेरा अनुभव है, मेरा मानना है कि जो राजनेता जितनी मेहनत करता है उतनी मेहनत शायद ही कोई करता, बहुत मेहनत का काम है। और एक बात और फिर हम आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि नेताजी का जिक्र चल रहा था, हालांकि आप पर है, आप बताना चाहें नहीं बताना है। जब आपने, ठीक है, जैसे आपने कहा कि राजनीति में मोड़ आते हैं, क्योंकि राजनीति तो करनी है, अब जब यहाँ दरवाज़ा बंद हुआ, जब आप दूसरी जगह चुनाव लड़ने गए, तो नेताजी ने कोई नाराज़गी जाहिर की, उन्होंने कुछ कहा हो आपको? जब मैं लगातार 3 बार MP रहा, उसके बाद 4थी बार जो उन्होंने टिकट काटी, उसके बाद बहुत अच्छा चुनाव में लड़ा। वो कल्याण सिंह जी और मुलायम सिंह जी का गठबंधन, जिसकी अपेक्षा किसी भी राजनीतिक विश्लेषक ने कभी नहीं की थी जी, बिल्कुल, क्योंकि एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, एक मंदिर वाले, एक मस्जिद वाले, बिल्कुल। और चूँकि बाबू जी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाए हुए थे, सदन में नहीं थे, इसी प्रकार से राजू भैया उनकी पत्नी चुनाव लूज कर गई थी, तो ये गठबंधन हुआ। आगरा में ही आप देखते होंगे एक फ़ोटो होगा कि बाबूजी के ऊपर समाजवादी पार्टी की टोपी यहाँ पर एक सम्मेलन में हुई जी, बिल्कुल ध्यान है। वो मैं बहुत छोटे कम वोटों से हारा, क्योंकि बाबूजी में अपने वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता थी, और फिरोजाबाद लोकसभा में 2 उन्हीं की जात के MLA भी थे, 17 से 22, इसका मतलब वोट है। उसके बाद में मिला तो उन्होंने कहा ठीक है, हमने टिकट काटी, तो स्वाभाविक बात था कि तुम्हें चुनाव लड़ना था। लेकिन जब मैं राज्यसभा छोड़ के 3 साल की और फिर अक्षय यादव से फिरोजाबाद लड़ा, इस पे उन्होंने ज़रूर कहा कि देखो हमने तुम्हारी टिकट काटी, तुम लड़े, हमने बुरा नहीं माना, राजनीति करोगे, अभी तुम 4थी बार MP हो, 3 साल की राज्यसभा छोड़ के लड़ रहे हो, अब हम इसको गंभीरता से लेंगे, क्योंकि कोई तुम 2 सदन में तो रहोगे नहीं कि लोकसभा में भी रहो, राज्यसभा में भी रहो, तो 3 साल की राज्यसभा छोड़ने का केस पहला है, और उससे भी खराब कठिन सीट पर मैं लड़ा। तो उनका अगर तुम नहीं लड़ते तो सर्टिफिकेट लेने जाना होता,
अब तुम लड़ रहे हो तो मेरे को वहाँ 45 सभाएं हेलीकॉप्टर से करनी पड़ी जी। तो फिर कहा जब लड़ाई तो लड़ाई हो, दोस्ती तो दोस्ती। तो मेरा ये कहना था कि गीता पढ़ ली थी मैंने काफ़ी पहले, एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर ये महसूस करती है कि मैं ही लड़ सकता हूँ, फिर पीठ नहीं दिखानी चाहिए। तो मैं कोई आत्म प्रशंसा के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, लेकिन ये भी एक प्रशिक्षण बच्चों के लिए है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी, और उन्होंने मुझे 10 साल में 5 चुनाव लड़ाएंगे जी। अब एक भी रिकॉर्ड ऐसा बता दो कि 14 में, और वो भी खराब सीट पे लड़ना ज़्यादा क्रेडिट की बात होती है। बिल्कुल, इसीलिए हमने सत्र का नाम कमांडर रखा। नहीं, 14 की लोकसभा जी फिरोजाबाद जी, 17 की विधानसभा टूंडला, 16 बार हम लोग हारे थे बीजेपी जी। तो इसका मतलब है कि वहाँ जितानी थी। फिर 19 सपा बसपा गठबंधन होते ही थोड़ा कठिन हो गई थी। फिर 22 करहल, तो शायद 24 भी लड़ाएं। तो 14 17 19 22 और 24, 10 साल में 5 चुनाव लड़ूंगा। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है जी, मेरे लिए मैंने गर्व की बात है। और पार्टी का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि परिणाम जो भी हो, लेकिन मुझे इस लाइक हमारे दल ने समझा है कि कठिन सीटों पर हमको लड़ाया जाता है। बघेल साहब, ये बताइए कि हालांकि अभी ये वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल जरूर उठना शुरू हुआ है कि मैनपुरी का उपचुनाव की बात हो या, लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि अखिलेश यादव के सामने जब अब नेताजी नहीं है, कितनी बड़ी चुनौती आप राजनीतिक दृष्टि से आप मानते हैं उनके सामने होगी बिना नेताजी के समाजवादी पार्टी, आपका अनुभव क्या कहता है? गार्जियन गार्जियन होता है, फील्ड वर्क वो नहीं अब करने की स्थिति में थे जी, लेकिन अनुभव का बड़ा महत्व होता है। अगर कोई सलाह ले तो उनकी सलाह से बहुत चीज़ें काम आती। तो गार्जियन गार्जियन होते हैं। एक बार अकबर जो है, अकबर की माँ मरी तो अकबर रो रहे जी। तो किसी ने कहा जिले लाही शहंशाह आलम जहाँ पन्हा आलम गिर, आप भी रोते हैं? तो उन्होंने कहा ये आलम पनाह जहाँ और बादशाह सलामत, और ये कहने वाले तो बहुत हैं, चल अकबरा रोटी खा ले, अब ये कहने वाला आज से कोई नहीं है। तो मैं महसूस करता हूँ कि गार्जियन की उपस्थिति ही एक बहुत बड़ा मॉरल बढ़ाती है जी। तो कमी तो महसूस करेंगे, क्योंकि मैं ये भी देखता था कि मुलायम सिंह जी को जब कहीं कोई निर्णय लेना होता था, तो मैं चूंकि सिक्योरिटी अफसर रहा हूँ, जनेश्वर जी को बुलाओ, बेनी प्रसाद वर्मा को मिलाओ, अखिलेश अवधेश प्रसाद को मिलाओ, आजम खां को बुलाओ, मोहन सिंह जी को बुलाओ, ऐसा वो करते थे। अब ये किसको बुलाते हैं आप, वो नाम आपको पता होंगे जी, बस ये फर्क है जी। आगे बढ़ते हैं बघेल साहब, अभी अगर ताज़ा की बात करें, ठीक है अभी हम 24 के चुनाव की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले निगम का चुनाव है, नगर निगम का, भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, तो उस चुनौती को कैसे मानते हैं? क्योंकि आगरा में तो सब कुछ भगवामय है, नगर निगम, विधायक, सांसद, कमोवेश ये स्थिति, क्योंकि हमारे 67 MP हैं, 300 से ऊपर MLA हैं, ये हर शहर की है ये स्थिति कि सभी MLA लगभग MP, MLC, राज्यसभा चेयरमैन्स, भूमि विकास बैंक, जिला पंचायत पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। लेकिन हम 5 साल पहले का भी परिदृश्य देखें तो एक नगर निगम हारे थे जी, ठीक है ना। उसके बाद इस 5 साल में हमें एक पूरी सरकार का काम करने का अवसर मिला, तो विकास हुए। फिर दिल्ली की सरकार को 5 साल और मिले, उसका कार्यकाल और इसका 1.5 साल उसका और 3.5 साल, तो ये भी ज़मीन पर काम हुए। खुद नगर निगमों ने काम किए, जिला पंचायत और परिषद ने काम किए। तब मेरठ शायद हम लोग हारे थे कांता करदम जी, जी जो राज्यसभा में जी। तो इस बार जो है सभी नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी रहेगी, और शहरों में भारतीय जनता पार्टी शुरू से भी मजबूत है जी। बघेल साहब, अगर आगरा की बात करें, जैसे ताजमहल की हमने बात की, लेकिन ताजमहल ठीक है बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन अभी जो ताज़ा कोर्ट का फरमान है और जो आसपास ताजमहल के आसपास जो कई रोजगार था उन लोगों का, वो खतरे में पड़ गया है कि उसको वैकेट करने की बात है, कि ठीक है गाइडलाइंस हैं कोर्ट की कि यहाँ तक रहना चाहिए, तो उसके लिए क्या कोई वैकल्पिक योजना, क्या कहना है उसके लिए? वर्षों संघर्ष समिति के लोग जी, आगरा के आयुक्त, आगरा के जिलाधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन मैं और धर्मेश जी बैठे, और हम लोगों ने और एक एक शब्द उसका सुप्रीम कोर्ट के उसको पढ़ा
जी, तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट है। और ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसी संस्था है, डेमोक्रेसी के तीन पिलर नहीं, चौथा है, आप भी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया। मुझे तो लग रहा आप सोशल मीडिया भी पांचवा स्तंभ हो गया। चलिए हमें तो आप लोग मान लेते हैं, ठीक है वकील साहब। नहीं, आप चौथा स्तंभ हैं जी। डॉक्टर लोहिया ने तो उस जमाने में कहा था जब मीडिया बहुत ज़्यादा आज की तरह एक्टिव नहीं थी, तब भी चौथा स्तंभ उन्होंने कहा था। तो हम लोगों ने उसका किया है, रिव्यू करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। बहुत चीज सार्वजनिक बात करने की नहीं है, ये बात सच है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले भी आगरा को वक्र दृष्टि से राहु, केतु और शनि देख रहे थे। एक का नाम है TTZ, ये TTZ इलाका है, ताज ट्रेपेजियम जोन। एक मेहता साहब के रेट पर बहुत सारे यहाँ पर प्रतिबंध लगे, और दूसरा NGT जी, और तीसरा माननीय सुप्रीम कोर्ट जी। ये वाले फैसले से निश्चित तौर से जो है बहुत छोटे व्यापारियों को, क्योंकि ये ताजमहल की बाउंड्री से 500 मीटर रेडियस में कहा गया है, तो बहुत छोटे अंडे वाले, केले वाले, ठेले वाले, पास्ता वाले, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, छोटे होटल, 400 रुपए के रूम वाले, इन पान की दुकान, चाय की दुकान, ये सब कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में आती हैं, और घरों में ही ऊपर रहते हैं तो नीचे दुकान हुआ करती है। इसमें निश्चित तौर से एक बड़ी परेशानी का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है जी। वकील साहब, आप केंद्रीय नेतृत्व की अगर बात करें, वो आप पर लगातार भरोसा कर रहे हैं, इतने चुनाव लड़वाए, जहां मुश्किल में फंसते हैं वहां बघेल साहब सामने आते हैं, और आपकी जो कन्विंसिंग पावर यानी किसी को मनाने की शक्ति जो है बहुत मजबूत है। लेकिन ये बताइए कि जब पश्चिमी यूपी में बेंच की बात आती है, मेरठ का जिक्र होने लगता है, आगरा की बात है, तो ये अब वेस्टर्न यूपी आपकी तरफ देख रहा है बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से। मंत्रालय भी लगभग आपका है, और लगभग क्या, मंत्रालय तो आप ही का है, लेकिन अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, बड़ी चुनौती है। जरा भी मैंने लक्ष्मण रेखा लांगी तो प्रयागराज में कल पुतले जरूर फूकेंगे। हाँ, ये बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मैं आपकी महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से रोहित जी संवैधानिक स्थिति बताना चाहूँगा जी, लोगों को पढ़ना भी चाहिए। संवैधानिक स्थिति यह है कि किसी भी राज्य में, दुनिया के किसी भी, हिंदुस्तान के किसी भी सूबे में अगर कोई खंडपीठ की मांग होती है या खुलेगी, तो उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश जी अपनी सहमति और प्रस्ताव उस राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को देंगे जी। राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री यदि उससे सहमत होती हैं, तो इसको हम लोग बड़ा टेक्निकल वर्ड बोलने जा रहा हूँ, एक कंप्लीट प्रपोजल जी भारत सरकार को भेजेगी, और भारत सरकार स्वीकृत दे देगी। इस समय केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश का नहीं, हिंदुस्तान के जितने सूबे हैं, किसी भी राज्य के मुख्य न्यायाधीश का राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय होते हुए एक भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है जी। अब मैं निजी विचार अपने व्यक्त कर रहा हूँ, तो अब इसका ये हो गया कि चीफ जस्टिस ऑफ प्रयागराज हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, चाहें चाहें जी, तो वो प्रस्ताव भेजें मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल के महोदय से, चूंकि पैसा स्टेट को खर्च करना है, तो वो कंप्लीट प्रस्ताव है कि जमीन वो देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का वो पैसा वो देंगे, सारी चीजें वो देंगे। ऐसा कोई भी विचाराधीन नहीं है, तो मेरे सारा आंसर आपको आ गया। लेकिन मैं अपने निजी विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हूँ जी, और वो ये है कि ये भी एक अन्याय है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में खंडपीठ नहीं है जी। तो न्याय करने का दायित्व किन पर है? 323, 504, 506, 147, 47, 49, 452 की धारा से लेकर 302 तक, मेड़ की नपाई से लेकर के और राम जन्मभूमि तक जी, जिनको, जिनके कंधों पर यह न्याय करने का है, तो ये भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ एक अन्याय है। क्या अन्याय है कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बल्कि मैं वहां से चलता हूँ सहारनपुर, उसकी विधानसभा नंबर एक बेहट जी, ओके, वो हमारी एक है, तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, नोएडा, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, कासगंज, अब शामली, सहारनपुर से लगभग 750 किलोमीटर इलाहाबाद है, और पाकिस्तान का लाहौर हाईकोर्ट जी
300 किलोमीटर है। वाह क्या बात है जी। हिमाचल का शिमला हाईकोर्ट मुझे लगता है वहाँ से 150 किलोमीटर होगा। हाँ बिल्कुल। राजस्थान का जयपुर हाईकोर्ट 250 दिल्ली और 350 किलोमीटर है। पंजाब एंड हरियाणा का हाईकोर्ट चंडीगढ़ मुझे लगता है 125-150 किलोमीटर है। तो अब मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हाईकोर्ट एलीट क्लास के लिए नहीं है केवल। जी राकेश सजान जी बैठे हैं, एक विभाग को चला रहे हैं। अगर ये किसी को सस्पेंड करते हैं उसके बैड गवर्नेंस से या इनडिसिप्लिन से या लापरवाही से, हाईकोर्ट चला जाएगा। मैं भी यूपी में मिनिस्टर रहा हूँ और भारत सरकार में हूँ। 3 साल की हमारी एक ट्रांसफ़र पॉलिसी थी, एक डॉक्टर के 8 दिन बाकी थे। तो मैंने कहा जब तक आदेश जाएगा सामान बांधेगा 3 साल हो जाएंगे। वो हाईकोर्ट चले गए। अब वो स्टैंडिंग काउंसिल भी भागते हुए गए। जज ने पूछा क्या ट्रांसफ़र पॉलिसी का अनुपालन हुआ है? वो नहीं बताया उसने कि 8 दिन जी नहीं हो पाया। क्या 3 साल हुए? नहीं हो पाया, स्टे कर दो। तो अगर आप सिपाही सस्पेंड होता है तो हाईकोर्ट जाता है, दो भाइयों का जमीन का बंटवारा है तो हाईकोर्ट जाता है, बात बात पर हाईकोर्ट लोग जाते हैं, DPC नहीं हो रही है तो लोग हाईकोर्ट जाते हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा तो हाईकोर्ट जा रहे हैं, कई बार जो कोर्ट का क्षेत्र नहीं है तो भी हाईकोर्ट जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आदमी दूर जाता है, मैं इसको कई संदर्भ में भी कहूँगा, दूसरे राज्यों में भी, तो दूर जाता है तो उसको वहाँ रुकना पड़ता है, तो होटल का होता है, बोली के अनुसार फीस बढ़ जाती है। जी जब पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाएगा तो यहाँ की बोली से, दूसरा पेइंग कैपेसिटी पश्चिम उत्तर प्रदेश की ज़्यादा है तो फीस ज़्यादा हो जाती है। सफ़र कौन लोग करेंगे? अब वहाँ की बार को दिक्कत आएगी, तो सभी वकील उनके फोटोस्टेट और ये होटल्स जी, रिक्शे वाले जी, रेस्टोरेंट को फायदा होगा, यहाँ करोड़ों जनता को। सारे वकील भी नहीं, जो वेस्टर्न यूपी के प्रैक्टिस कर रहे हैं दे विल कम बैक जी, लेकिन आम आवाम को बहुत बड़ा फायदा होगा। ये मेरे अपने निजी विचार हैं। लेकिन जिस दिन भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से हमें होगा तो निश्चित तौर से बनाया जाएगा जी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बघेल साहब। अब हम इस सत्र के आखिरी दौर में, बघेल साहब हमने कहा कमांडर इस सत्र का नाम, बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, आप पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी भी आपको दे दी, बताइए पश्चिम बंगाल में क्या लगता है आपको कि आप 24 में आप लोग कुछ कर पाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी करिश्मा नहीं कर पाई। फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर हो जाए पश्चिम बंगाल में, लोगों का भय निकल जाए, तो निश्चित तौर से वहाँ पर भी जो है सरकार भी बन सकती है। लेकिन 3 MLA से 70 MLA आना, आप लोग ये बहुत कहे कि सरकार नहीं बनाई, लेकिन 70 MLA पहुंचना कितने गुना, 33 गुना कोई पार्टी कभी बढ़ी है 5 साल में जी। MP वहाँ मुझे याद आ रहा शायद 17-17 MP हैं जी। तो मैं ऑन रिकॉर्ड अब कहने जा रहा हूँ कि अगर फासिस्ट सरकार कोई है जो फासिज्म में विश्वास करती है वो पश्चिम बंगाल की सरकार है और ममता जी हैं। अब मैं गांव में गया, आरामबाग लोकसभा और मथुरापुर लोकसभा का मैं प्रभार देख रहा था, तो मैं तो 0 ग्राउंड वाला आदमी हूँ। मैंने कहा मीटिंग की जगह गांव देखते हैं, चारों दीवारें कच्ची हैं, छत पर पॉलीथीन है, तो भी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास वहाँ नहीं मिल रहा है जी। वो बांस के ऐसे करके लगा करके ताड़ से शौचालय है तो भी शौचालय नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार को ये अनुपालन कराना है जी। राज्य सरकार सूची ही नहीं भेज रही है कि उनके यहाँ गरीबों की संख्या कितनी है। मेरी पूरी लोकसभा में आप एक भी मकान चारों दीवारें कच्ची हों और खफरेल हो आप नहीं देख सकते जी। पश्चिम का ये हाल है, लेकिन जो थे वो सरकार ने बना दिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में हर देहात में हर चौथा घर पूरी तरह से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता रखता है जी। उज्ज्वला की पात्रता रखता है, शौचालय की पात्रता रखता है, आयुष्मान कार्ड की पात्रता रखता है, ई श्रमिक कार्ड की पात्रता रखता है। लेकिन राज्य सरकार इसलिए नहीं बना रही है कि जब आयुष्मान कार्ड से कोई इलाज करके आएगा तो प्रधानमंत्री को आयुष्मान भव कहेगा जी। मुंह खाता है तो आंखें झुकती हैं, अगर वो छत मिलेगी तो वो सिर झुकाएगा, जब वो खुले में सोने की जगह प्रधानमंत्री के आवास में सोएंगे तो निश्चित तौर से खानदानी व्यक्ति वो होता है जो अपमान और एहसान को याद रखता है। तो ममता बनर्जी चाहती है कि लाभार्थियों की संख्या केंद्र सरकार की वहाँ ना बढ़े जी,
उत्तर प्रदेश में आज हमने सरकार बनाई है, क्या केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना उसका बड़ा कारण नहीं है? क्या राज्य सरकार की लाभकारी योजनाएं बड़ा कारण नहीं है? क्या संगठन की मेहनत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का लॉ एंड ऑर्डर, खासतौर से बुलडोजर, क्या इसका बड़ा योगदान नहीं? आप लॉ एंड ऑर्डर का आप जिक्र करते हैं, बुलडोजर का जिक्र, आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर ने उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर पूरी तरह बदल दी है? बघेल साहब देखिए, पिछली सरकार में, पिछली से पिछली वाली सरकार में कानून व्यवस्था इतनी ख़राब थी कि बच्चा स्कूल से घर आने जब तक नहीं आ जाता था, माँ दरवाजे पे खड़ी रहती थी जी। दुकानदार दुकान बंद करके अपने नियत समय से अगर थोड़ा विलम्ब हो जाता था तो पत्नी सोचती थी थैला तो नहीं छिन गया, गोली तो नहीं लग गई। और किसान रात में खेतों में पानी नहीं लगाता था कि अपहरण हो जाएगा तो सीधे फिर खादर में मिलेगा। इस समय योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल जैसे गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, योगी काल उत्तर प्रदेश का स्वर्ण युग है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जी। तो बुलडोजर, दो बुलडोजर हैं, एक बुलडोजर से हम लोग सड़कें बना रहे हैं जी, जिसमें उत्तर प्रदेश की अलग से बता रहा हूँ कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, बलिया एक्सप्रेसवे लिंक रोड, गोरखपुर एक्सप्रेसवे लिंक रोड, ये बन रहे हैं। स्मार्ट सिटी तमाम है, मेट्रो आगरा में भी शुरू हो रही है। तो इस बुलडोजर से निर्माण हो रहा है और दूसरे बुलडोजर से जिन लोगों का ना संबंध में, ना वारंट में, ना अदालत में, ना आगरा विकास प्राधिकरण में, ना केडीए में, ना जीडीए में विश्वास है, जिन्होंने अकूत संपत्ति पैदा कर रखी है और बिना नक्शे के मकान बना रखे हैं, दूसरा बुलडोजर उस पर चलता है। मुझे लगता है 1800 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गई हैं जी। अब ठीक है, आप कह रहे हैं बुलडोजर आपका बहुत कमाल कर रहा है। दो आखिर में मेरे और छोटे छोटे सवाल, बहन जी को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? बसपा की राजनीति को भी आप करीब से देख चुके हैं, क्या कहना आपका? नहीं, 19 में अगर इन लोगों ने गठबंधन नहीं किया था, गठबंधन नहीं करते तो BSP की एक भी नहीं आती और समाजवादी पार्टी एक सीट बचा पाती, मैनपुरी बचा सकती थी, वहाँ भी 84,000 का अंतर है। और बता दूँ जी, सपा बसपा गठबंधन के बावजूद मुलायम सिंह जैसे इतने बड़े व्यक्तित्व चुनाव लड़ने के बाद 84,000 का केवल अंतर है। पिछला चुनाव वो लाखों में जीते थे, मुझे लगता है 2.5 लाख से जीते। हाँ, तो पिछला 84,000 का फर्क है जी। और उसमें भी अगर जसवंत नगर जो इटावा जिले की है, अगर उसको शामिल ना कराया गया होता मैनपुरी में, और जसवंत नगर में भड़तना का ताखा ब्लॉक शामिल करा के परसीमन में ना किया जाता तो वो भी खतरे में होती। तो बहन जी का हाथी जब मजबूत था, जब बाबू सिंह कुशवाहा उस पर बैठे थे, SP सिंह बघेल उस पर बैठे थे, दारा सिंह चौहान उस पर बैठे थे, नरेंद्र कश्यप उस पर बैठे थे, लोकेश प्रजापति उस पर बैठे थे, जिन लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ कृपया बुरा ना माने जी। तो ये सब मिला के हाथी को मजबूत कर रहे थे। फिर ये सारे लोग उतरे तो हाथी पर एक जाति विशेष बैठी रह सकती है, वो भी पूरी तरह नहीं। इसलिए बहन जी का एक MLA है और जो एक MLA है उसकी वर्किंग मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो 10,000 लड़कियों की शादी कराते हैं, वो धार्मिक स्थलों पर अपने पैसे भेजते हैं, इसका मतलब एक भी। अब देखिए कि वो जो 14 MP आए थे, 10 बसपा के और 4, पिछले गठबंधन में कन्नौज लोकसभा पर डिंपल जी जैसा पर्सनैलिटी हारी हैं, बदायूं से धर्मेंद्र यादव हारे हैं, फिरोजाबाद से अक्षय यादव हारे हैं गठबंधन के बावजूद। इसलिए 24 में तो वहाँ तो आपने भी गणित लड़ाया था, फिरोजाबाद की बात करें मुझे तो ध्यान में है। हाँ, तो 24 में जी कोई खतरा इसलिए नहीं है कि सपा बसपा गठबंधन के बावजूद धर्मेंद्र, डिंपल जी और अक्षय यादव हारे हैं। और अभी ये जीते थे आजमगढ़ और रामपुर, जिसको उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा ले लिया है जी। वकील साहब, मैंने कहा दो आखिरी सवाल, यही सवाल मेरा सेकंड लास्ट था, लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा। नेताजी के बारे में आपने बहुत कुछ बताया, सबके बारे में बहुत, बहन जी के बारे में कोई कुछ बात ही नहीं करता, किस तरह की सियासत बहन जी की है, क्या प्रासंगिक बची उनकी सियासत? देखिए, लोहिया कहा करते थे कि राजनीति में चर्चा, पर्चा, खर्चा, ये तीनों रहना चाहिए। अब चर्चा में रहें, अब चर्चा में रहने का लोगों ने एक नया तरीका निकाला है जी, वो ट्विटर निकाला है जी। ग्राउंड जीरो पे मत जाओ, ट्वीट कर दो। और आप लोग अगर जब ट्वीट को गंभीरता से लेना बंद कर दो आप लोग, तो आप फील्ड वर्क करा दोगे हाईकमान का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जैसी ये देश व्यक्ति पूजक बहुत है, बिल्कुल
व्यक्ति पूजा कितना है कि चौधरी साहब के लड़के और नाती राजनीति कर गए, मुलायम सिंह जी के बेटे कर रहे हैं, आप ऐसे देख रहे होंगे कि व्यक्ति पूजक खड़ाऊ से 14 साल इस देश में राज हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि राम व्यक्ति पूजक। तो अब क्या है कि चर्चा केवल ये हो रही है कि ट्वीट कर दो, और हमारे ट्वीट को तो आप गंभीरता से लेते नहीं हो, हमारे उस पर तो 28 लाइकिंग आएंगी। लेकिन जैसे ही कोई खासदार व्यक्ति होता है, आमदारों को नहीं आप लोग ध्यान रखते। मेरा एक देश की मीडिया को मैं सलाह दे सकता हूँ कि बड़े नेताओं का जो जीरो ग्राउंड पे नहीं जाते हैं, केवल ट्वीट करते हैं और आप यहाँ बहस शुरू कर देते हैं, फटाक से बाइट लेना शुरू कर देते हैं, तो चर्चा पर्चा खर्चा वो नहीं करती हैं। एक और खर्चा का मतलब है जब झंडा पे पोस्टर बैनर, अच्छा सिर्फ वो लगेगा, मंच लगेगा। पर्चा का मतलब होता है हैंडबिल, इस तारीख को इतने बजे पुरानी महंगाई के खिलाफ यहाँ पर धरना होगा। तो चर्चा पर्चा खर्चा। दूसरा, लोहिया कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। जी, ये श्रीमान जी 3 महीने पहले निकले थे और वो निकली ही नहीं थी। तो फिर आपको गरीबी हटाओ के लिए भी, अगर गरीबी दूर करने का भी लिए अगर कोई रैली करनी है तो उसके लिए भी तो गरीबों को भी बुलाना पड़ेगा और खुद को भी चर्चा पर्चा खर्चा करना पड़ेगा। और सलाह तो बहन, और सलाह लेती है बहन जी सलाह किसी से कभी? लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं सलाह देने की। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि बिना मूवमेंट के ये हिम्मत आपने की कभी बघेल साहब? हाँ, ऊपर भगवान से डरता हूँ, नीचे कार्यकर्ता से डरता हूँ, बाकी किसी से डरता बढ़ता नहीं हूँ जी। तो लेकिन उन्होंने आपकी सलाह भी नहीं मानी। बहुत डरूंगा तो फिर एसपी सिंह बघेल कौन कहेगा जो सर कहा जाता है। तो मतलब उन्होंने आपकी सलाह भी नहीं मानी क्या इस दौरान? ये उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन क्या इस दौरान उनकी पार्टी के एमएलए की डेथ नहीं हुई? क्या एमपी की डेथ नहीं हुई? क्या उसके परिवार में डेथ नहीं हुई? क्या कोई विपक्ष को बड़ा मसला नहीं मिला? क्या इस दौरान इलेक्शन नहीं आए? तो घर से निकलना चाहिए। अब कोई घर से कैसे निकले बताइए? ईडी, सीबीआई, बघेल साहब की रणनीति? ऐसा नहीं, देखिए ईडी सीबीआई का अगर दुरुपयोग किया जाता, मतलब ऐसे आरोप लगते हैं आप? यस, मैं जितना अच्छा खंडन कर रहा हूँ कोई कर भी नहीं सकता है जी। वो खंडन ये है कि 19 वाला चुनाव बहुत भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन था। बिल्कुल, और उस समय भी ईडी और सीबीआई थी, तो अगर इसका दुरुपयोग करते तो इस गठबंधन को बीजेपी तोड़वाने का प्रयास करती, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है और यूपी के 2 बड़े नेताओं का गठबंधन हो गया था। पहले तो ये चला तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, यूपी लूटो बारी बारी, सपा बसपा। अचानक 14 में हमारे एमपी आए तो उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा कि क्यों सरकार बीजेपी नहीं बना सकती? 17 में 300 आ गए, उम्मीद नहीं थी। तो ये आरोप टोटल निराधार है कि हमारे डर, हमारे ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी हो या सीबीआई हो या माननीय कोर्ट हो, ये अपने अनुसार चलती हैं और देश की डेमोक्रेसी तभी रह पाएगी। इस गठबंधन को जरूर तोड़वाया जाता अगर तोड़वाने की दुरुपयोग किया। आपने मना किया कि इस गठबंधन को लड़ने दीजिए, मेरे पास जानकारी है, आपने केंद्रीय नेतृत्व में बात कही? मैंने केवल एक बात कही थी मंचों से कि जो बेमेल विवाह होते हैं ये ज़्यादा नहीं चलते हैं जी, ये हनीमून भी पूरा नहीं काट पाते हैं। जनता एक बहुत निर्णायक स्थिति में होती है, एक दंगल हो रहा है, 2 पहलवान लड़ रहे हैं और अज्ञात मेरे लिए दोनों अज्ञात हैं और मैं वहाँ से गुजर रहा हूँ, दंगल देख रहा हूँ, अचानक एक के प्रति मेरी सहानुभूति हो जाएगी, वो कमज़ोर के प्रति खास तौर से होगी कि वो कमज़ोर है लेकिन वो दांव बहुत अच्छे खेल रहा है। लंगोट के कलर से सहानुभूति नहीं होगी, वो कमज़ोर होने के बाद अच्छा लड़ रहा। तो जैसे ही सपा बसपा का गठबंधन हुआ जी, तो उत्तर प्रदेश की महान जनता ठंड के दिनों में तापते हुए अखाने पर चर्चा कर रही थी, आखिर ऐसा क्या मुलायम सिंह जी ने, सॉरी ऐसा आखिर क्या नरेंद्र मोदी ने बुरा किया है जिसकी वजह से एक दूसरे की जान लेने वाले एक हो रहे हैं। बिल्कुल, तो चचा चाणक्य ने बहुत पहले कहा था जी कि यदि राजा लोकप्रिय होगा तो दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्भि संधि होगी। दुर्भि संधि जोड़ी है, संधि नहीं, दुर्भि संधि होगी। तो उत्तर प्रदेश की महान जनता ने और देश ने महसूस कर लिया कि ये केवल अस्तित्व को बचाने के गठबंधन है और ये तुरंत, मैंने आपसे ही कहा था, आप याद करो, अनुभव को याद होगा, मैंने ये कहा था एक सभा में कि आज की तारीख स्थान और समय नोट करो, जैसे ही चुनाव होंगे बहन जी इस गठबंधन को तोड़ेंगी
और वो कहेंगी अखिलेश यादव ने हमसे तो वोट ले लिए लेकिन हमको ट्रांसफर नहीं किए, और वही हुआ इस वही हुआ ये ऑन रिकॉर्ड है। मैंने कहा कि तारीख स्थान एंड समय नोट करो जी। तो वो बीएसपी अब नहीं चलता। चले एक आखिरी सवाल बघेल साहब आज के इस सत्र का, ये राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, 24 का चुनाव सामने है, संसद में भी आप लोगों की मुलाकात होती होगी, कितनी बड़ी चुनौती और क्या लगता है आपको कांग्रेस के बारे में क्या कहें? एक्चुअली भारत जोड़ो यात्रा की जगह उनको कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाना चाहिए था जी। क्रम से बड़े बड़े नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं, अब वो नाम लूंगा तो वो एक लंबी फहरिस्त हो जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब नहीं रहे, कश्मीर के गुलाम नबी आज़ाद साहब वहाँ नहीं है, जितिन प्रसाद जी नहीं है, सो मैनी हर राज्य का एक बड़ा सूबेदार उनके हाथ से जा रहा है। वो इसलिए जा रहा है कि जब जो है एक्चुअली क्या है, एक परंपरा है नेवी की कि पानी का जहाज जब डूबता है तो कप्तान आखिरी समय तक रहता है, तो ये वही हो रहा है, बाकी लोग भागना शुरू कर देते हैं जी। और 24 से पहले भय भगदड़ और भ्रम की राजनीति होती है, भय भगदड़ और भ्रम, ये बघेल साहब का नया नारा 24 के लिए, मैंने बहुत अपने सीनियर से सीखा है जी। भय भगदड़ और भ्रम चुनाव से पहले होता, लेकिन ये तीनों आरोप आप पर लगते हैं कि आप लोग ये स्थिति बना रहे हैं, नो नो पैदा कर रहे हैं ईवीसीडी, ना भय भ्रम आप पैदा कर रहे हैं, ना और भगदड़ तो आप मचवा देते हैं, ना कैंडिडेट को भय है कि मैं जीत के नहीं आऊंगा, अच्छा इसलिए भगदड़ होती है, भ्रम भी उसको रहता है पता नहीं सरकार बनेगी नहीं बनेगी, हमारी बनेगी नहीं बनेगी, तो भय भगदड़ भ्रम की वजह से अच्छे अच्छे लोग आ जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कैंप लगा के जैसे विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन करती है, आयुष्मान कार्ड करती है, या ऐसे अगर ज्वाइनिंग करा दे कैंप लगा के राज्यों में, तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग ज्वाइन कर जाएंगे, लेकिन कई बार लंबी ज्वाइनिंग भी दुखदायी होती है क्योंकि सीटें उतनी ही होती हैं, इसलिए भारत जोड़ो तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो लोक भाषा लोक भोजन और लोक भूषा में हिमायत नहीं रखते हैं। राहुल गांधी को लोग थोड़ा एलीट क्लास मानने लगे हैं, राहुल गांधी को आमदार नहीं मानते हैं, खासदार मानते हैं, राहुल गांधी भारत के मर्म को नहीं समझते हैं। चंद्रशेखर जी ने भी एक भारत की यात्रा की थी, अडवाणी जी ने भी रथ से की थी, रामकृष्ण हेगड़े ने की थी, एनटी रामाराव साहब ने रथ यात्रा से सरकार बनाई थी जी। देवीलाल का मेरे को याद आ रहा है न्याय युद्ध उन्होंने किया था, न्याय रथ, मुलायम सिंह का क्रांति रथ और चैतन्य रथ वहाँ का एनटी रामाराव साहब का, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी थी, वो क्रेडिबिलिटी थी। मैं खुद डरता था बहुत ज़्यादा कि जिस दिन प्रियंका गांधी राजनीति में आएंगी तो यूथ कांग्रेस का जमाना आ जाएगा, संजय गांधी वाला जमाना आ जाएगा, उनमें इंदिरा गांधी की झलक आप लोग दिखवाना शुरू कर दोगे, लेकिन वो अमेठी की सीट को नहीं बचा पाई। इनका हवाई जहाज जब भी उड़ता है दिल्ली से तो पिछले 20 साल में ये फुर्सतगंज पे उतरते हैं और रायबरेली और अमेठी करके वापस आ जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसमें रायबरेली का भी देख लो कि हारते हारते बची हैं और अमेठी तो हाथ से निकल गई है, और इसको भाप गए थे वरना वो केरल चुनाव लड़ने नहीं जाते। तो कुल मिला के ये है कि राहुल गांधी जो है, जैसे एक वो है ना कि मुंशी प्रेमचंद की पूछ की रात एक कहानी है जी, उसको डनलप पिलो पर सोने वाले और एसी में रहने वाले और राडो पहनने वाले, रिबन का चश्मा लगाने वाले, गुच्ची का पर्स रखने वाले और बर्बरी का पर्स रखने वाले उसको रट सकते हैं, उसमें 90% नंबर ला सकते हैं, लेकिन उसके दर्द और मर्म को वही समझ सकता है, बिल्कुल, जिसने पूस की रात एक पिछौरा में काटी हो। नरेंद्र मोदी जी 10x12 के कमरे में अपने 6-7 भाई बहनों के साथ उसमें रहे हैं, माँ ने दूसरे घरों में काम किया, खुद ने चाय बैठी, इसलिए हमारी सभी योजनाओं में भारत की आत्मा रहती है। मैं रोहित एक और मजेदार बात रोहित जी आपको बताऊं जी कि 67 साल इस देश में भारत सरकार चुनता था और इंडिया सरकार चलाता था, पिछले 8 साल से भारत सरकार चुन रहा है और भारत ही सरकार चला रहा है, उसकी वजह से गरीब कल्याणकारी योजनाएं आ रही हैं, क्योंकि जिसके पैर ना जाए बीमारी वो क्या जाने पीर पड़ाई, ये लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक दिन कलावती के यहाँ खाना खा लिया, आप लोग 3 दिन दिखाते हैं, चारपाई पे बैठ गए, अरे जिंदगी निकल गई चारपाई पे बैठते बैठते। और एक और हमारे यहाँ एक कल्चर है कि आज भी 6 बार का MP MLA राज्यसभा और मिनिस्टर होने के बावजूद गाँव की किसी भी चारपाई पे मैं सिरहाने नहीं बैठा, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति उस गाँव का मेरे से उम्र में ज़्यादा होगा, तो हम लोग बीच में बैठते हैं, हमसे छोटे नीचे की तरफ बैठ जाएं और हमसे बड़े ऊपर की तरफ बैठ जाएं, तो ये चारपाई पे भी बैठ रहे हैं और चारपाई का क्या कल्चर है
इसको भी राकेश सचान और एसपी सिंह बघेल जानते हैं, राहुल जी इसको भी नहीं जानते होंगे, वो नीचे की तरफ होती है ना जिधर रस्सी होती है जी जी। हालांकि दोनों हेड हैं उसके, लेकिन इधर पैर रहते हैं इसलिए हम लोग पैरों की तरफ। और इसका बड़ा महत्व है, जब युद्ध के बाद राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा भाई चारों वेद के ज्ञाता है रावण, उनसे कुछ सीख के आओ, तो वो गए तो एरोगेंसी तो थी थोड़ी लक्ष्मण जी में, ये बात तो रामलीला के दौरान भी पता चलती है। और याद रखना बेईमानों को इस देश में वोट पड़ा है, कई बेईमान लोगों ने अपने अपने सूबे में चार चार बार सरकार बना ली है, लेकिन घमंडी और एरोगेंसी को पसंद नहीं करते। तो लक्ष्मण जी लौट आए, वो तो कुछ बता ही नहीं रहे, तो कहाँ खड़े कहाँ थे, बोले खड़े थे हम सिर की तरफ, अरे भाई कुछ सीखना है तो पैरों की तरफ जाओ। तो राहुल गांधी जो है एक्चुअली क्या है कि 7 साल से 12 साल की उम्र के जो संस्कार हैं ये जीवन भर काम आते हैं। अगर ये संस्कार किसी के दून के हैं तो दून कल्चर रहेगा, शेरवुड और मेजो में पढ़ा तो वो वाला कल्चर रहेगा, और हम जैसे चुंगी के स्कूल में अगर पढ़ के आएंगे तो हम गरीबों के बीच में पढ़ के आ रहे हैं तो हम लोग महसूस करते हैं। तो बिल्कुल बघेल साहब, आखिर में यही कि आपको लगता है कि सचान साहब जो काम कर रहे हैं, इनकी सरकार जो काम कर रही है, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार काम कर रही है, वो सरकार का काम और आपका काम 24 में आपको बड़ी विजय दिलाएगा, आप आश्वस्त हैं इस बात को लेकर? बिल्कुल निश्चित तौर से पूरी तरह आश्वस्त हैं। मध्य प्रदेश पूरा है, राजस्थान पूरा है, दिल्ली पूरा है, यूपी लगभग उस गठबंधन के बाद इतना अच्छा किए तो अब तो मुझे, मैं अखिलेश जी की तरह ये नहीं बोल सकता कि 403 सीटों में 400 वो जीतेंगे जी, हाँ मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि एकाध सीट 80 में से किसी पे संघर्ष तो हो सकता है जी, लेकिन अब विपक्ष जीत नहीं पाएगा। तो चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बघेल साहब, आपने वक्त निकाला बीपी गंगा के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम आगरा में आपके इस महापंचायत होने पर। मैं प्यार मोहब्बत के शहर आगरा में, दीन इलाही के शहर आगरा में, सुलह कुल के शहर आगरा में, और नज़ीर के शहर आगरा में, सूर के शहर आगरा में, मैं कृष्ण की और शहर कर्म भूमि आगरा और जन्मभूमि में मैं आपका स्वागत करता हूँ, एबीपी गंगा और अभिनंदन करता हूँ, आपने हमारे शहर को चुना इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बघेल साहब मैं अभी आपको एक बात और बता दूँ, आपने बड़े अच्छे अच्छे आप बातें कहते हैं, शब्दों के जादूगर हैं। अब आपने कहा कि 5 सितारा होटल में, लेकिन हाँ इतना हम बताएं कि 5 सितारा होटल में भी जाते हैं और जिस खाट का आपने जिक्र किया उस खाट पर भी हम लोग बैठते हैं, बीच में हम लोग बैठते हैं और उस खाट से नीचे भी हम लोग बैठते हैं। एक्चुअली आपकी ब्रेकिंग न्यूज ही तब बनती है जब आप खाट पे गांव में जब जाते हैं, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमने आपका कनेक्शन क्यों लिया है जी? वो कनेक्शन इसलिए लिया कि जो हो रहा है, साहित्य समाज का दर्पण है और आज के साहित्य आप लोग हैं जी, और आईना झूठ नहीं बोलता चाहे सोने में ही मढ़वा लो जी। तो डेमोक्रेसी के बहुत मजबूत पिलर हैं, कई बार आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ से लोगों को न्याय मिल जाता है जी, कई बार ये होता है। और मैं कह रहा हूँ कि सरकारों का बेस्ट इंटेलिजेंस आप लोग हैं, क्योंकि आप इंटेलिजेंस के पास, रॉ के पास, आईबी के पास कम है, आप चैनल्स बहुत हैं और आपके यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लागू हो रहा है। तो जैसे ही आप दिखाते हैं उसके बाद हुक्मरानों को पता चल जाता है कि देश में और राज्य में क्या हो रहा है, तो उसकी रेमेडी जल्दी हो जाती है जी। बघेल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा इस कार्यक्रम में शामिल होकर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस एबीपी गंगा के मंच से जहां एबीपी गंगा की महापंचायत जो आगरा में हो रही है, अभी अभी उसके मंच पर थे केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, और जो बड़ी बातें उन्होंने कही एक बार फिर से हम आपको बता दें। बोले कि 2024 में भी कमल खिलेगा, 80 सीटों पर कहीं संघर्ष तो हो सकता है एक आधा जगह, लेकिन 80 की 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और लगे हाथों उन्होंने तंज भी कसा अखिलेश यादव पर, उन्होंने कहा कि वो नहीं कह सकते जैसे अखिलेश यादव कहते हैं कि 403 में से 400 सीटें हम जीत जाएंगे, ऐसा हम नहीं कहेंगे, लेकिन 80 सीटों पर कहीं संघर्ष एक आधा सीटों पर हो सकता है, बाकी विजय भारतीय जनता पार्टी की होगी। स्वीकार किया उन्होंने कि मुलायम सिंह यादव उनके राजनीतिक गुरु रहे, और कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने लगे हाथों हमला बोला, राहुल गांधी को इलीट वर्ग का नेता बताया, कहा कि पिछले 8 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत सरकार चुनता है और भारत सरकार चलाता है, इससे पहले 67 वर्षों में भारत सरकार चुनता था और इंडिया सरकार चलाता था। एक और बात महत्वपूर्ण कही कि राजनीति में
मनभेद नहीं होना चाहिए, ये सामान्य शिष्टाचार है। किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, तो ये जानेंगे कि आखिर वे क्या कर रहे हैं इस विभाग में। और साथ ही वे एक कुर्मी समाज से जुड़े हुए बड़े नेता होने के नाते भविष्य की चुनौतियों को लेकर क्या योजना बना रहे हैं, ये उनसे जानेंगे। गुंजन, बिल्कुल राकेश सचांदी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बड़ी बात कही जाती है जिसका जिक्र अनु ने किया, किस्मत हो तो राकेश सचान जैसी, और उसकी वजह यह है नामांकन के आखिरी दिन राकेश सचान का नाम सामने आता है, कांग्रेस से भाजपा में आते हैं, मंत्री भी बन जाते हैं। सवाल मेरा यह है, क्या राकेश सचान भी मानते हैं कि वो किस्मत के धनी हैं? किस्मत के धनी हैं और परिश्रम के धनी हैं। हम लोग मेहनत करने वाले कार्यकर्ता हैं और राजनीति में विद्यार्थी जीवन से हम लोगों ने कानपुर विश्वविद्यालय में संघर्ष किया। छात्र राजनीति के चलते ही 91 में विधानसभा का चुनाव लड़े, 93 में उस समय विधायक बने जब उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन था और हम जनता दल के टिकट से पहली बार कानपुर मंडल में अकेली सीट जीतने में कामयाब हुए थे। तो कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने जनता के बीच में संघर्ष के बल पर हमने 93 में MLA जीता था और आज लगातार